किस तरीके से इंसानियत के खिलाफ हो। अच्छा सर, 2010 के अंदर मतलब कि बंगाल के इस कहर पर बंगाल में जो हादसा हुआ है, एक बहुत उमदा किताब मधू शरीफ मुखर्जी की है, चर्चिल सीक्रेट वार, उसमें उसने डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात की मदद से उसने बताया है कि बंगाल में लोगों के साथ क्या पेश आया था, क्या मुसीबतें थी, कैसे कलकत्ता की फुटपाथ पे लोग भूख और फाक से गिर कर मर रहे थे, लेकिन बरतानवी हुकूमत की जानब से किसी किस्म की कोई मदद नहीं दी गई थी। और थोड़ा बहुत यहाँ जिक्र किया था बंगाल में कदर तहरीक का, ये कदर तहरीक देखिए ये भी एक डिफाइंस था, एक रद्द अमल था जो अमेरिका में खासतौर से कैलिफोर्निया के अंदर जो लोग रह रहे थे जिनमें खासतौर से पंजाबी सिख थे वो ज़्यादा थे, वो भी एक रिएक्शन था कि कदर तहरीक को तुम कदर कहते हो, अब हम उसी नाम से तुम्हारे खिलाफ करेंगे। चुनाचे ये लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, लेकिन किन लोगों ने उनकी मुखबिरी की, हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने ही, बल्कि उनकी सी आई टी में मुखबिर थे, और इन लोगों को कैद की सजाएं भी हुई, इनको फांसी भी दी गई। और अफसोस ये है कि इन लोगों का हमारी जद्दोजहद की जो आज़ादी की तारीख है उसमें उनका बहुत कम तस्करा है। कोई नहीं, अभी हाल ही में यानी जब ये 100 साल मुकम्मल हुए हैं तो हिंदुस्तान से सदर मूवमेंट पे एक बड़ी अच्छी किताब छपी जिसमें गिरीवाल और हरेश पुरी और इंदू बंगा के मजामीन हैं, इन्होंने एक मुकम्मल तरीके से सदर मूवमेंट का अहाता किया है, उनकी आइडियोलॉजी का जायज़ा लिया है और जो उसके इम्पेक्ट हैं वो, लेकिन इसको हमारी आज़ादी की तारीख का जो एक हिस्सा होना चाहिए था उसको अभी तक ना हिंदुस्तान में बनाया गया है ना यहाँ पर बनाया गया है। और मुझे याद है कि 100 साल के पूरे होने पर पाकिस्तान में इफ्तिखार इंस्टीट्यूट ने भी अपना एक गोशा शाया किया था, और लम्स में अली उस्मान और अली रजा ने भी एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हरीश पुरी को भी बुलाया था, लेकिन हमारे तारीख दानों ने भी इस वाक़े को ऐसे ही जाने दिया और इसकी पूरी तहकीक नहीं हुई जबकि पूरी तहकीक होनी चाहिए थी, और इस मौजू को जो अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको तारीख का हिस्सा बनाना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा मतलब कि जिक्र करूँगा यहाँ से हिंदुस्तान से हट कर मतलब कि दूसरे इलाकों के अंदर जो कुछ हुआ तारीख को जैसे फराहम किया गया। मसलन जब जनूबी अमेरिका को फतह किया गया तो हस्पानवियों ने और पुर्तगाल के जो लोग थे इन्होंने वहाँ की 3 बड़ी तहजीबें जो थी जिसमें ऐसी इनका और माया तहजीबें थी, बिल्कुल इनको तबाह बर्बाद कर दिया, और ना सिर्फ तबाह बर्बाद कर दिया बल्कि कोशिश ये की है उनका नाम निशान भी मिटा दिया जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये समझा जाए अहले यूरोप या खुद या जनूबी अमेरिका के लोग या दुनिया ये समझे कि इन लोगों ने 3 बड़ी तहजीबें पैदा की जिसे गैर मौसम नहीं थे, ये मतलब कि तहजीब याफ्ता थे, क्योंकि माया तहजीब जो थी उनका अपना रस्म खत था और उन्होंने आसादाना तौर पर ज़ीरो भी दरियाफ़ कर लिया था, इनका तहजीब का कोई रस्म खत नहीं था, लेकिन बग़ैर रस्म खत के उन्होंने एक बड़ी एम्पायर बनाई थी और वो इसको कंट्रोल करते थे। ऐसी तहजीब की यही सूरत थी, एक बड़ी यानी जिसका पे तरक्याफ था मतलब कि तहजीब थी, ये सिर्फ उस वक्त इन तहजीबों को दोबारा से मतलब कि उजागर किया गया है इस दूसरा तारीख को जब जनूबी अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल के खिलाफ कौमी तहरीकें उठी, उस वक्त उनको यह ख्याल आया कि इन तहजीबों को भी कौमी वरसा समझ कर और कौमी वरसा यानी जान कर इनके ऊपर तहकीक करना चाहिए। चुनाचे उसके बाद इनके वो शहर जो कि जंगलों में थक कर खून हो गए थे उन शहरों को भी दरियाफ़ किया गया, इनके आसार दीवान जो थे उसके ज़रिए से इनके खंडार पर भी काम हुआ, इनकी तारीख पर भी काम हुआ, तो वो सारी भूली हुई तारीख जिसको यूरोप ने इंतजाम में भुलाया था, नेस्त नाबूद करने की कोशिश की थी, वो दोबारा से उलट कर सामने आ गई। अच्छा, इसी तरीके से शुमाली अमेरिका में वहाँ पर जो इन्होंने रेड इंडियंस के साथ किया वो आपको पता है कि एक तो इन्होंने
जो लोगों को मारा हो, लेकिन 80% आबादी तो यानी बीमारियों से भरी है और इन्होंने कंबलों में जरासीम डालकर रेड इंडियंस पे तकसीम किए हैं जिसमें वो बीमारियों से भरे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल वार भी थी जो वहाँ पर मर गई की गई। और ये कमांचो तो बहुत बड़ा कबीला था टेक्सास और कैलिफोर्निया का, कि उसको कैसे तबाह किया गया। और अब चूँकि रेड इंडियंस ने अपनी तारीफ खुद नहीं लिखी, लिहाजा हमें मतलब उनके बारे में भी जो मालूम मिलती हैं थोड़ी बहुत मौजूदा तारीख के बारे में, वो भी अमेरिकन मौलिकों की मदद से मिलती हैं। वो बेटनी का वाक़ जिसमें कि उनका कत्याम हुआ था, और चेहरा की कबाइल की जब ज़मीनों पर कब्जा करके कब्जा जॉर्जिया की स्टेट ने कोशिश की, तो चेहरों की कबाइल के लोग जो थे ये दूसरे इंडियन कबाइल के मुकाबले में पढ़े लिखे थे। इनका अपना रस्म खत था, ये अपने अखबार भी शाया करते थे। इन्होंने US की सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि यहाँ ये हमारी अफवाजदार की ज़मीन है, हम यहाँ पर रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला लिया, लेकिन उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था एंड्रयू जैक्सन ने कहा कि जॉन मार्शल की अगर हिम्मत है तो अपने फैसलों को नाफिज करा ले, और उसने जॉर्जिया की स्टेट से कहा कि लोगों को निकाल के इनकी ज़मीनों पर कब्जा करो। और इसलिए वो मशहूर वाक़ जिसको कहते हैं ट्रेल ऑफ टीयर्स, कि जब ये लोग गए हैं तो रास्ते में हज़ारों की तादाद में ये मरे हैं और इनकी ज़मीनों के ऊपर मतलब कि सफ़ेद आम लोगों ने मतलब के कब्जा किया है। तो अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि इनकी ये गुमशुदा तारीख जो है वो वापस लाई जाए, चूँकि इन लोगों को तो इन्होंने अब उनके कबीलों के नाम रह गए हैं, बाकी उनको तो रिजर्वाय में रखकर एक तरह से बिल्कुल अछूत जो है वो बना दिया है। लेकिन इसके मुकाबले में अफ्रीकी गुदाम जिसको बना कर लाया गया था, वो मतलब कि इस इस्तेसार के शिकार नहीं हुए। उन्होंने अपनी शनाख्त को कायम रखने के लिए जद्दोजहद की। उनका सबसे बड़ा फलसफी लुई द रॉय था, जिसने ब्लैक स्टेट के सॉल्व के ऊपर काम किया, और उसने कोशिश की कि अफ्रीकी ब्लैक्स के अंदर जो अमरीका में हैं उनके अंदर आज़ादी का जज्बा जो है वो पैदा किया जाए। उसके साथ भी US गवर्नमेंट ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जब वो घाना में थे और वहाँ पर वो अफ्रीका की इंसाइक्लोपीडिया तरतीब देने की कोशिश कर रहे थे निक्रोमा की हुकूमत की, तो US गवर्नमेंट ने उनको वापस आने के लिए कोई वीज़ा नहीं दिया, इसलिए उनकी वफात जो है वो घाना में ही हुई। लेकिन 1966 की दहाई के अंदर फिर ब्लैक पैंथर मूवमेंट उठी है, रद्द अमल के तौर के ऊपर मुसलदा जद्दोजहद उन्होंने की जाए। उनका फलसफा ये था कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट जो है ये इंपीरियलिज्म है, और ब्लैक मोहल्ले जो हैं ये उनकी कॉलोनीज हैं, तो हमें मतलब कि इस इंपीरियलिज्म से निजात हासिल करने के लिए मुसलदा जद्दोजहद की ज़रूरत है। और ये मुसलदा जद्दोजहद उन्होंने की 1969 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर उनके पुलिस के दरमियान एक बड़ी कुरेस मतलब कि जंग भी हुई, लेकिन ज़ाहिर US की गवर्नमेंट के सामने वो नहीं कह सके। एलेक्स हेडी ने जो किताब रूस लिखी है वो नॉवेल ही नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ब्लैक्स की पूरी तारीख है कि कैसे इन लोगों को अफ्रीका से मतलब कि लाया जाता था, बेचा जाता था, इनकी लिंचिंग की जाती थी, क्या क्या कुछ इनके साथ मतलब कि नहीं होता था। तो वो पूरी किताब जो है वो एक तस्वीर पेश करती है इन गुलामों के साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद के साथ साबित कर दिया कि उनकी अपनी शनाख्त और आज तकरीबन अमेरिका की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ब्लैक हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाती है। ब्लैक अब नॉवलिस्ट भी हैं, हिस्टोरियंस भी हैं, अदीब भी हैं, और म्यूजिक में तो इनका म्यूजिक में और स्पोर्ट्स में तो इनका बहुत बड़ा मतलब कि कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, और जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म ने अफ्रीका में किया उसकी भी मतलब के मिसाल है, और कोशिश उन्होंने भी की किस तरीके से तारीख को बुला दिया जाए। मसलन जब जर्मनी ने साउथ वेस्ट अफ्रीका में नामीबिया के रियासत को अपनी कॉलोनी बनाया, तो वहाँ पर जर्मन साबात का जो थे उन्होंने हीरोज और नामा कबीले के लोगों को इस तरह से मारा है जैसे कि शिकारी किसी शिकार को मारते हैं। इतना मारा कि तकरीबन उनका वजूद ही ख़त्म हो गया, थोड़े बहुत जो बचे और अपने वतन को छोड़ के वापस चले गए। अभी तो एक साल की बात है कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से खातून वहाँ पर गई थी
और उन्होंने इतराफ़ किया कि भाई हमारे तरफ से इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी ज़मीनों पर वहाँ जर्मन आबाद का जो है वो आबाद हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले जो हैं उनका खात्मा कर दिया गया है। अब उनकी तारीख को भी भुला दिया गया है, लेकिन वो तारीख भी भूली नहीं जाएगी, यकीनन वापस आएगी।